हाय व्यूअर्स, इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हलवा पूरी वाला हलवा। बहुत झटपट, बहुत जबरदस्त, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का हलवा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं आपको शीरे के लिए बता दूं, एक कप चीनी, 1.5 कप पानी और थोड़ा सा मेरे पास ज़ाफ़रान है कलर के लिए। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप 1/4 टीस्पून जर्दा रंग डाल लें। ये इसका तो हम बनाएंगे शीरा। हलवे के लिए हमें चाहिए 1/2 कप सूजी, 1/4 कप घी, आलमंड तकरीबन मैंने लिए हैं 3-4 टेबलस्पून क्योंकि मैं गार्निशिंग में भी यूज़ करूँगी और बीच में भी डालूंगी, 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, ग्रीन कार्डमम पाउडर, दैट्स इट। किसी भी पॉट में 1/2 कप पानी और ये 1 कप चीनी डाल देनी है। इसके साथ ही मैं ज़ाफ़रान ऐड कर दूंगी। अब इसको सिर्फ इतनी देर पकाना है कि सिर्फ चीनी मेल्ट हो जाए। तेज़ आंच पर पका लें, हल्की आंच पर पका लें, आपकी मर्ज़ी। बहुत ज़्यादा हमें इसका शीरा कढ़ाना नहीं है, सिर्फ शुगर मेल्ट करने के लिए कि जब जितनी देर तक शुगर डिज़ोल्व हो जाए। सो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर 1/2 कप सूजी का हलवा बनाना आपको सिखा रही हूँ, जो हमारे लिए इनफ है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप हर चीज़ को डबल ट्रिपल करके इसी क्वांटिटी को आप बढ़ा दें और आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऑफकोर्स। ये देखिए, मैंने तेज़ आंच में इसे पकाया, जस्ट इतना पकाया है कि शुगर डिज़ोल्व हो गई है और ज़ाफ़रान ने अपना कलर छोड़ दिया है। बस इतना ही इसको पकाना था। अब इसको मैं कवर करके साइड पर रखूँगी। अब किसी भी पैन में हम ये घी डालेंगे और इसको मेल्ट करना है। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए इसमें सूजी ऐड करनी है और इसको सिर्फ 2-3 मिनट्स के लिए भूनना है, हल्की सी खुशबू आने लगे, बस इतना। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लो फ्लेम पे पकाना है। इसमें साथ साथ चम्मच चलाते रहना है कि एक साइड से लग ना जाए। थ्री मिनट्स हो चुके हैं, अब इसमें मैं ये शीरा ऐड कर दूंगी जो शुगर सिरप हमने बनाया है, और इसको तेज फ्लेम पे थोड़ा सा पकाना है। जब ये उबलने लगे, देखें ये उबल रहा है, अब इसमें मैं कोकोनट पाउडर डाल दूंगी और इसी टाइम इसमें जाएगा ये इलायची पाउडर, ग्रीन कार्डमम पाउडर। इसको सिर्फ फ्यू सेकेंड्स के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकेगा ये। और मैं ये इसमें तकरीबन 1/2 आलमंड्स डाल दूंगी। आप चाहे पिस्ताशियो डाल लें, मेरे पास आलमंड्स हैं तो मैं आलमंड डाल रही हूँ। बस अब ये इतना ही लिक्विड ही होना चाहिए। इसको ढक दें और चूल्हा बंद कर दें। बस व्यूअर्स, आपको लग रहा है हलवा बहुत ज़्यादा आपको लिक्विड ही लग रहा है क्योंकि ये हलवा लिक्विड ही होता है। जब तक हम पूरियां फ्राई करेंगे और हम सारी तैयारी करेंगे, ये इसी तरह से गरम रहेगा। गरम देगची में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सख्त हलवा नहीं होता। और ये थोड़े आलमंड जो मैंने बचाए हैं मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। जैसे कि आपने देखा व्यूअर्स, मैंने हलवे को यहाँ से हटाकर पीछे चूल्हे पे मूव कर दिया अलग से, क्योंकि ये चूल्हा गर्म है और देगची भी गर्म है। जितनी देर वो गर्म चूल्हे पे पड़ी रहेगी तो उसमें कुक टाइम उसका बढ़ता रहेगा। बिल्कुल आपने उसको चूल्हे से हटा देना है। मैंने ठंडे चूल्हे पे पीछे इसको शिफ्ट कर दिया है ताकि उसका कुकिंग अमल ख़त्म हो जाए और वो मजीद गाढ़ा ना हो जाए हलवा। बस उसको ढक के आपने साइड पर रख के भूल जाना है जब तक कि आप पूरियाँ फ्राई करें और उसको सर्व करें। ये देखें कितना सॉफ्ट ज़बरदस्त हलवा है। और जो खुशबू आ रही है ज़ाफ़रान की, ज़बरदस्त। हलवा पूरी जो कि इस ब्रेकफास्ट का नाम है, ज़बरदस्त। वाह, लुक सो गुड। आप ये देखें, इसमें मुझे ज़ाफ़रान नजर आ रहा है, आलमंड्स। वाओ, इतना जबरदस्त हलवा है ये व्यूवर्स। मैं हलवे की इतनी बिग फैन नहीं हूँ, खासतौर पे सूजी का हलवा, पर ये हलवा मुझे बहुत पसंद है। इसमें जो हमने कोकोनट ऐड किया है 1 टेबलस्पून,
उसका इतना जबरदस्त इसमें फ्लेवर है, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं है कि आपको एकदम से लग रहा है कि इसमें कोकोनट, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत जबरदस्त इसका है जाफरान की खुशबू और इसका ये जो गोल्डन गोल्डन कलर है ये जाफरान की वजह से। अगर आपके पास जाफरान नहीं है कोई इशू नहीं है, आप इसमें जब आप इसका शीरा बनाएंगे तो आप उसमें जर्दा रंग डालें तो उससे भी जबरदस्त कलर आएगा। जब आप बाजार में हलवा देखें, बाज दफा बहुत ऑरेंजिश होता है, कभी पिंकिश होता है हलवा, वो फूड कलर्स होते हैं, तो आप चाहें तो अपनी मर्जी का फूड कलर यूज कर सकते हैं। मुझे गोल्डन कलर पसंद है इसलिए मैंने जाफरान ऐड किया और जो उसकी खुशबू है वो अलग। होप यू लाइक द रेसिपी व्यूअर्स, इफ यू डू गिव मी अ थम्स अप, कीप वॉचिंग माई चैनल, सी यू अनदर टाइम अनदर डिलीशियस रेसिपी, तब तक के लिए बाय बाय।